दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। जो टीजीटी का मैंने फर्स्ट पार्ट में पेपर सॉल्यूशन आपको दिया था उसी का सेकेंड पार्ट है। 51 to 121 क्वेश्चंस सॉल्व मैंने किए हुए हैं, उनको देखिएगा। ये सभी परीक्षाओं में आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, तो इन पर आप ध्यान बनाकर रखिएगा। और दोस्तों हम इनको आपको सॉल्व कराते हैं कि किस प्रकार से क्या कौन से आंसर सही हैं कौन से गलत हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों पहला है हमारा 51 को अगर हम ध्यान दें तो 51 पे क्या दिखा है, एन एम्ब्रियो ऑफ द चिक विथ 7 पेयर। यहाँ दोस्तों 7 की जगह क्या आता है, 4 होगा। क्या क्या होगा, 4। तो यहाँ 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स इज, 4 पेयर किस में पाए जाते हैं, तो दोस्तों जब हम 4 पेयर की बात करते हैं तो 4 पेयर किस में पाए जाते हैं, ये इस पे 24 में, किस में पाए जाते हैं, 24 आवर ओल्ड में कितने पाए जाते हैं, 4 पेयर्स पाए जाते हैं। और जो 22 आवर्स होता है कितना, 22 आवर्स में 2 पाए जाते हैं, 24 में 4 पाए जाते हैं, या लिख लीजिएगा इसमें पाए जाते हैं 4। और 33 में दोस्तों कितने पाए जाते हैं, 33 में पाए जाते हैं 13, कितने पाए जाते हैं 13, ये लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है इन द मैमल्स क्लीवेज रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास ऑफ द सेल नोन, जो बॉल की नुमा संरचना बनती बिल्कुल सॉलिड, वो दोस्तों क्या होता है, इसका ऑप्शन सी सही है। यानी कौन सी संरचना बनती है, मारूला बनती है, कौन सी बनती है, मारूला बनती है, तो ये हमारा ये सही है, मारूला। नेक्स्ट है F1 पार्टिकल आर फाउंड इन, किस में दोस्तों पाए जाते हैं, तो माइटोकांड्रिया में F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, इनको हम ऑक्सीसोम के भी नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं दोस्तों, ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द नेम ऑफ पॉलीटिन क्रोमोसोम सजेस्ट बाय, तो दोस्तों किसने दी थी, ईजी बालवियानी ने दी थी, किसने नाम दिया था, ईजी बालवियानी ने पहली बार पॉलीटिन क्रोमोसोम नाम सजेस्ट किया था। सेंट्रियोल इज फाउंड इन, तो सेंट्रियोल किस में पाया जाता है, तो दोस्तों सेंट्रियोल जो हमारा होता है वो पाया जाता है एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है देखते हैं क्वेश्चन, कहता है द फर्स्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम एग्जिबिटिंग द बाइलेटरल सिमेट्री, तो कहता है बाइलेटरल सिमेट्री किस में पाई जाती है, तो ये दोस्तों पाई जाती है प्लेटी हेलमेंथीज में, किस में देखने को मिलती है हमें, प्लेटी हेलमेंथीज में देखने को मिलती है। फिर कहता है द फ्रेश वाटर स्पंज, तो फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा होता है, स्पॉन्जिला होता है दोस्तों, कौन सा होता है, स्पॉन्जिला होता है। नेक्स्ट है फ्लेम सेल आर रिलेटेड विद, फ्लेम सेल किससे संबंधित होती हैं, तो कहता है जब फ्लेम सेल संबंधित होती हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से होती हैं। फ्लेम सेल का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन करना। दोस्तों हम आपको इसके अलावा भी बता दें कि इसके हेलमेंथीज में पाई जाती हैं रेनेटी सेल्स पाई जाती हैं, एनिलिडा में नेफ्रीडिया सेल्स पाई जाती हैं, और यूनियो में जो है केबर सेल्स पाई जाती हैं, और आर्थोपोडा में मालफीगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, क्रस्टेशियन में कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती हैं, और केचुआ में जो होता है क्लोरोगोगन सेल्स पाई जाती हैं। ये अलग अलग जो जीव हैं उनके एक्सक्रीटरी सेल्स हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट है द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फैसुला हिपैटिका एंड लीवर फ्लूक की, जो लाइफ साइकिल का जो सेकेंडरी होता है वो स्नेल होता है, द्वितीयक पोषक और प्राथमिक सीफ होता है। तो यहाँ चूंकि इंटरमीडिएट होस्ट पूछा है तो यहाँ ऑप्शन होगा बी सही। नेक्स्ट है वेटेलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, तो वेटेलाइन मेम्ब्रेन दोस्तों किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है बर्ड्स में, किस में पाई जाती है, बर्ड्स में पाई जाती है। फिर है टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, तो दोस्तों ये किसने दी थी, इमर्सन ने दी थी। अगर आपने फोटोसिंथेसिस में इमर्सन इफेक्ट पढ़ा होगा, लाइट का इफेक्ट कि किस लाइट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वो प्रभाव इमर्सन दिया था, और
उन्होंने ही टू पिगमेंट सिस्टम यानी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड दिया था। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन ऑफ, तो किसमें पाया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दोस्तों, किसमें पाए जाते हैं अर्थात क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं थैलाकॉइड्स में। किसमें पाए जाते हैं थैलाकॉइड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा रेट फोटोसिंथेसिस की किसमें होती है, तो दोस्तों ये यहाँ चूंकि सी है तो मुझे सी तो बिलीव है नहीं, ये है क्वेश्चन नंबर बी। ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सेकेंड पे सी में पाई जाती है और सबसे कम ग्रीन में पाई जाती है। ध्यान रखना इसमें से अगर हम बात करें कि कौन किस में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन जो होगा ये पहले नंबर पर आएगा, ये फर्स्ट है, ब्लू में सबसे ज़्यादा, रेड में सेकेंड नंबर पे, सॉरी, और ये थर्ड ग्रीन पे, थर्ड नंबर पे यानी सबसे कम ग्रीन पे। तो अगर क्वेश्चन पूछे यानी ये आंसर गलत है सी, इसका आंसर होगा बी, और रेड जो होता है वो बी से बाद होता है यानी ब्लू के बाद रेड का नंबर आता है। नेक्स्ट है कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एनर्जी इज ट्रैप्ड इन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन, तो कहता है जो इसमें से जो एनर्जी इज ट्रैप्ड इन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, जो एनर्जी ट्रैप्ड होती है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में, तो कहता है ये कैसे होती है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन क्या सही है, डी, ये वाला, ये सॉरी, ये सही है, डी नंबर सही है। वर्णक तंत्र जो फर्स्ट होता है उसमें समस्त ऊर्जा P700 में संग्रहित होती है, सभी ऊर्जा इसी में भंडारित होती है। वर्णक सिस्टम सेकेंड में अभिक्रिया सेंटर P680 होता है यानी 680, ध्यान रखना पी फर्स्ट में जो होता है P700 होता है और इसमें होता है P680 सेकेंड में, तो इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा। हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल आर द प्रोड्यूस्ड एज ए नेट गेन ड्यूरिंग द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, तो इसमें कितने ATP मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, तो वो दोस्तों हैं 36 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। कितने निकलते हैं देखना दोस्तों, मैं देख लूँ जरा कितना है, हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस एज ए नेट गेन ड्यूरिंग द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज को पूर्ण रूप से ब्रेक होने में कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो दोस्तों हैं 36, कितने हैं 36 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। एक से दो पाइरूविक के, एक ग्लूकोज के अणु से दो पाइरूविक एसिड बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, और क्रेप साइकिल, फिर ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है एस्टिल कोएंजाइम में, और एस्टिल कोएंजाइम जाता है माइटोकांड्रिया के अंदर जहां होता है क्रेप साइकिल। नेक्स्ट है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, किसे बोलते हैं, तो लीनियस को, किसको बोलते हैं लीनियस को, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायनोमेनक्लेचर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। अच्छा जीव विज्ञान के पिता व जंतु विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉर एंट्री इन जीन पूल ए म्यूटेशन अकरिंग, फॉर एंट्री इन द जीन पूल ए म्यूटेशन अकर इन, तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन सही है बी जर्म सेल, क्या सही है जर्म, यानी जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए, तो वो क्या होगा जर्म सेल में, जर्म सेल में जब परिवर्तन होगा तभी तो वो नई पीढ़ी जाएगा, अगर सोमैटिक सेल में होगा तो वो जीव के साथ खत्म हो जाता है, इस तरह आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स से वेसल्स किस प्रकार से भिन्न होती हैं, तो ये दोस्तों किस प्रकार से भिन्न होती हैं, तो कहता है इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ द सेल एंड दियर क्रॉस वॉल डिजॉल्व, तो इसका ऑप्शन होगा सी सही है, कौन सा दोस्तों सही है सी ऑप्शन इसका सही है। फिर नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू नट, इसमें ट्रू नट कौन सा सही है, तो दोस्तों कौन सा है पहला, कौन सा सही है
पहला है जो वॉलनट एक वास्तविक नट है जिसे अखरोट कहते हैं। दोस्तों क्या है, ये एक वास्तविक नट है जिसे हम अखरोट के नाम से जानते हैं, जबकि ग्राउंड नट किसे बोलते हैं, मूंगफली को बोलते हैं। कोकोनट किसे बोलते हैं, कोकोनट आप सब जानते हैं, नारियल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नारियल को बोलते हैं। नेक्स्ट है, और जो कैश ये जो कैश नट है ये किसको बोलते हैं, काजू को बोलते हैं। तो इसमें अखरोट है। नेक्स्ट है, ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द यम आरने मॉलिक्यूल, कहता ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो यम आरने मॉलिक्यूल्स होता है वो कैसा होता है। नंबर ए है, डिसइंटीग्रेट्स होता है, मूव्स इनटू साइटोप्लाज्म, रेप्लिकेट्स इट्सेल्फ, और क्या है, री एसोसिएशन टू फॉर्म इट्स स्ट्रक्चर। तो इसका जो ऑप्शन सही है, मूव्स इनटू साइटोप्लाज्म। ये किस ओर मूव करता है, साइटोप्लाज्म की ओर मूव करता है, जहाँ ये क्या कर सके, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग ले सके। और किससे जुड़ सके, तो ये जुड़ सके दोस्तों, किससे जुड़ता है, किससे जुड़ता है, राइबोसोम से। नेक्स्ट है, फॉसिलाइजेशन इज आल्सो नोन बाय द, फॉसिलाइजेशन को हम किसके नाम से जानते हैं, तो दोस्तों किसके नाम से जानते हैं, प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, प्रिजर्व होना होता है ना, प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 72, द ब्रांच दैट डील्स विद द प्लांट स्टडीज इन द जियोलॉजिकल पास्ट इज कॉल्ड, तो इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन सही होगा पी, पेलियोबॉटनी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पोलियन इज सिचुएटेड एट, तो दोस्तों कहाँ सिचुएटेड है, लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट स्थित है, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, इन प्लांट लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, तो सबसे प्लांट में सबसे लार्जेस्ट जो एग होता है वो किस में पाया जाता है, तो दोस्तों किस में पाया जाता है, आप सब जानते हैं साइकस में, किस में पाया जाता है, ये है साइकस में, सॉरी साइकस में पाया जाता है, किस में दिखाई देता है हमें, ये साइकस में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस का एग्जाम्पल इसमें अच्छा सा कौन सा है, वो है लाइकेन। लाइकेन किससे बना होता है, तो लाइकेन दोस्तों किससे बना होता है, तो लाइकेन बना होता है किससे, एल्गी और प्लस फंजाई, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन। ये अच्छा एग्जाम्पल सिम्बियोसिस यानी सहजीवन का अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेडोफाइट्स इज नोन एज द हॉर्सटेल, अभी हमने पहले वीडियो में बताया था हॉर्सटेल किसे बोलते हैं, तो हॉर्सटेल बोलते हैं इक्विसीटम को, हॉर्सटेल बोलते हैं। जो स्लेजनेला है इसे स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा स्मॉल क्लब मॉस। और जो राइनिया है ये दोस्तों क्या है, एक फॉसिल प्लांट है, क्या है, फॉसिल प्लांट है ये, राइनिया नामक स्थान पर पाया गया था इसीलिए इसका नाम राइनिया रखा गया। नेक्स्ट है, मार्सिलिया इज ए, तो कहता है मार्सिलिया इज ए होमोस्पोरिक टेडोफाइट, हेट्रोस्पोरिक टेडोफाइट और नॉन स्पोरिक और सीडेड, तो इसमें क्या आएगा, बी हेट्रोस्पोरिक। इसमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, क्या बनते हैं, आपने देखा होगा इसका जो इस ये जो संरचना आपने देखी होगी, हमने पहले में बताया था, देखिए दो क्वेश्चन आए हैं, एक रैफी भी आया था इसी से, ये इस तरह होता है और इसमें इस तरह की संरचनाएं होती है, स्पोरेंजियम होती है और इसमें दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, एक छोटे स्पोर पाए जाते हैं और एक बड़े, तो छोटों को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, बड़ों को मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है और मेगा स्पोर सॉरी माइक्रोस्पोर से मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेट्स बनते हैं, और मेल गैमेट्स ना बोलकर यहाँ मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, और मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। तो इसमें गैमेटोफाइट दोनों अलग होते हैं, वो क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होता है, और हेट्रोस्पोरस कौन सा होता है, स्लेजनेला, और दोस्तों हेट्रोस्पोरस कौन है, स्लेजनेला है।
नेक्स्ट है ई प्लांट बियरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोरिश टर्माइट. देखिए फिर क्वेश्चन दोस्तों उसी से घुमा के पूछा ये कि ये कि ये इससे कितने पूछे. हमें लगता है टेडोफाइट का बंदा था जो पेपर सेट किए हुए हैं. तो इसमें क्या होगा हेट्रोस्पोरी. क्या बोलते हैं हेट्रोस्पोरी. सीड हैबिट किसमें पाई जाती है. तो सीड हैबिट भी क्वेश्चन पूछते हैं. सिलेजिनेला में पाई जाती है. किसमें पाई जाती है सिलेजिनेला में. होमोस्पोरस कौन सा होता है. तो दोस्तों होमोस्पोरस कौन सा होता है. टेडियम आपका होमोस्पोरस है और आपका लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है. तो ये किसमें आते हैं होमोस्पोरस में आते हैं. नेक्स्ट है जिसमें एक प्रकार के स्पोर बने उसी में क्या हो उसी में एक प्रकार का गैमेटोफाइट का निर्माण करें. नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉटिलेडन फाउंड इन एम्ब्रियो ऑफ साइकस. कितने कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं. तो दोस्तों इसका जो आंसर है कि कितने पाए जाते हैं तो वो है टू. सॉरी इसमें कितने है? टू ऑप्शन सही है टू. ध्यान रखना. और जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एक बीजपत्री में एक पाया जाता है दो बीजपत्री में दो पाए जाते हैं मगर यहाँ दो पाए जाते हैं. ब्रायोफाइट्स कैसा होता है. तो ये कैसा होता है एम्फीवियंस होता है. इसे एम्फीवियन ग्रुप्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को एम्फीवियन बोलते हैं क्योंकि ये जनन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है. ये कैसे प्लेस में पाए जाते हैं सैडी प्लेस में पाए जाते हैं मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस में. नेक्स्ट है स्पोरोफाइट्स इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन. तो कहता है इसमें क्या होता है कि जिसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है तो वो है ब्रायोफाइट्स. कौन है ब्रायोफाइट्स. नेक्स्ट है दो क्वेश्चन देखिए आए एम्ब्रायोफाइट से. इन फ्यूनेरिया द कैलेप्ट्रा इज फॉर्म बाय. कहता है फ्यूनेरिया का जो कैलेप्ट्रा होता है वो किससे बनता है. ये क्वेश्चन कई बार पूछे हैं कि जो फ्यूनेरिया का कैलेप्ट्रा है वो किससे बनता है. तो वो दोस्तों किससे बनता है डी आर्चिगोनियम से. किससे बनता है आर्चिगोनियम से बनता है. फ्यूनेरिया का जो कैलेप्ट्रा है वो किससे बनता है आर्चिगोनियम में. बाद में आर्चिगोनियम वृद्ध करके कैलेप्ट्रा का निर्माण करती है. नेक्स्ट है ए ब्रायोफाइट्स डिफर्स फ्रॉम टेडोफाइट्स इन. एक ब्रायोफाइट टेडोफाइट से कैसे डिफर होता है. तो इसमें क्या होता है सबसे अच्छा जो है वो है लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू. अर्थात टेडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं और ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं. नेक्स्ट है एसिड रेन इज मेनली मिक्सचर ऑफ. तो ये दोस्तों क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है जिससे क्या होता है एसिड रेन होती है. नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज. जो पिरामिड का एनर्जी होता है तो ऑलवेज दोस्तों क्या होता है अपराइट होता है. क्या होता है अपराइट सीधा बनता है क्योंकि एनर्जी क्या होती है. इसमें 10% वाला आपने रूल पढ़ा होगा कि पहले में 10% मतलब 100 रहेगा तो दूसरे में 10% आगे जाएगा फिर उसके आगे 10% जाएगा. नेक्स्ट है ए टी पी इज एन एंजाइम विच बियरिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ए हार्मोन मॉलिक्यूल विथ हाइट एनर्जी फास्फेट बॉन्ड. तो दोस्तों यही सही होगा क्योंकि इसका नाम क्या होता है एडनोसिन ट्राई फास्फेट होता है. क्या होता है एडनोसिन ट्राई फास्फेट होता है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट सेल्स. इसमें प्रोकैरियोट सेल्स का फीचर्स क्या नहीं है. अब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्या होता है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. क्या पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल. ये गलत है. क्या है गलत है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पोलिटेंट्स. इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है. तो वो है स्ट्रोनेटियम 90 सबसे डेंजरस माना जाता है. द इंडिकेटर है SO2 पोलिटेंट एयर. तो दोस्तों इसमें क्या आता है लाइकेन. ये दोस्तों हर एक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन पूछ देंगे कि इंडिकेटर किसको बताता है या पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर कौन है या सल्फर डाइऑक्साइड के लिए कौन है. तो वो लाइकेन है. नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वाज. तो इसमें सेल थ्योरी किसने दी थी स्लाइडन और स्वान ने दी थी. इसमें जो दोस्तों स्लाइडन थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान थे वो
वो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। फैट्स इन आवर बॉडी आर फॉर्म व्हेन, कहता हमारी बॉडी में फैट कहाँ बनता है, आवर बॉडी आर फॉर्म व्हेन, तो हम देखते हैं हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, और कब होता है, तो कहता है जब होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर एंड मसल्स इज कंप्लीटेड, जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का स्टोर पूरा हो जाता है और लीवर और मसल्स में पूरा हो जाता है, तब ये क्या करता है, बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, वन ऑफ दीज फंक्शंस इज, कहता है बहुत सारे फंक्शंस पाए जाते हैं, उनमें से कौन है, ग्लाइकोलिस ग्लाइकोजेनेसिस, क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, और ये होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, कहता है कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन परिवर्तित कर संचित रखता है, तथा ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, यह क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। पॉइजन फैंग्स ऑफ स्नैक्स आर, तो ये दोस्तों क्या होते हैं, ये होते हैं मैक्सिलरी टीथ होते हैं, जो फैंग्स में जहरीले जो दांत होते हैं उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ध्यान रखना, मैक्सिलरी जो टीथ होते हैं वो पॉइजन के जो दांत होते हैं जिन्हें फैंग्स बोलते हैं उसमें चेंज हो जाते हैं, जिसे विषदंत बोलते हैं। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड्स एंड बैट्स, ये कैसे होते हैं, तो दोस्तों ये कैसे होते हैं, ये होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी संवृत्ति अंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन डे इज ऑन, तो ओजोन डे दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सितंबर, कितने सितंबर को, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। द हार्ट बीट रेगुलेटेड बाय, तो दोस्तों किससे होती है हार्ट बीट जो रेगुलेट होती है, वो किससे होती है, तो वो पेसमेकर से भी होती है, वेगस नर्व से होती है, सिंपथेटिक नर्व से होती है, यानी ऑल ऑफ दिस सही होगा, यानी इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। ये क्वेश्चन छूट गया, देख लेते हैं दोस्तों कौन सा छूटा है, ये छूटा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की जो लिंक है उसे हम क्या कहते हैं, आर्क्योपिटेरिक्स कहते हैं, पेरिपेटस कहते हैं, नियोप्लाइना बोलते हैं और सिलोकैंथ बोलते हैं, तो दोस्तों इसमें कौन सा है, नियोप्लाइना के नाम से इसको जानते हैं, ये अभी आपको हमने बताया है। नेक्स्ट है 101, माइक्रोलिसाइथलेक द, कहता विच पेयर इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो दोस्तों इसमें से जो सबसे करेक्ट पेयर की बात करेंगे तो उनमें से आएगा कीट, कीट क्या होता है, सेंट्रोलिसाइथलेक होता है, और जो बर्ड्स होता है वो कैसा होता है, और नेक्स्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इसकी चर्चा दोस्तों हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है, द हाइपोथीसिस ऑफ द कपलिंग एंड द रिपल्सन फॉर लिंकेज वाज फॉर्मुलेटेड बाय, ये दोस्तों किसने दिया था, तो ये दिया था वेटसन एंड पुनेट ने, कॉपलेशन एंड रिपल्सन दिया था। नेक्स्ट है, ब्लेनोग्लासेस इज कॉमनली नोन एज, तो ब्लेनोग्लासेस को किसके नाम से जानते हैं, टंग वर्म के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना टंग वर्म के नाम से जानते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लेनोग्लासेस को किसके नाम से जानते हैं, तो किसके नाम से जानते हैं, टंग वर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करता है इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर, चूंकि इसका क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्स और एक्स जीरो इस तरह चलता है, क्या चलता है, एक्स एक्स और एक्स जीरो, तो इसका एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, नॉनसेंस कोडांस क्या होते हैं, नॉनसेंस वो कोडांस होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस जब चल रही होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस को बंद करने के लिए कुछ कोडांस ऐसे होते हैं जो अमीनो एसिड को
इंडिकेट नहीं करते हैं, जिनका टीआरएनए प्रॉपर नहीं होता है, तो वहीं से ये रुक जाती है। तो उसमें कौन सा होता है? और तो उसमें होता है सी नंबर, यूएए, यूएजी और यूजीए। इन विच स्टेज डज सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू टू, वो कौन सी फेज होती है जिसमें सेंट्रोमियर दो फेज में डिवाइड होता है? वो होता है एनाफेज सेकेंड, ध्यान रखिएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, विच एनिमल इज एग लेइंग मैमल्स, इसमें से एग लेइंग मैमल्स कौन सा है, अर्थात ऐसा मैमल्स जो अंडे देने का काम करता है। क्या काम करता है दोस्तों? अंडे देने का कार्य करता है। तो इनमें से कौन सा हमें दिखा रहा है? सॉरी, ये है ट्रैकीग्लॉसस के नाम से जानते हैं। ट्रैकीग्लॉसस जो होता है अंडा देने वाला स्तनधारी है, ये कहाँ पाया जाता? ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया में पाया जाता है, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। और डाई डेल्फिस प्रारंभिक स्तनी है, जो डाई डेल्फिस होता है ये वाला पहला, ये कैसा है? प्रारंभिक स्तनी है जिसकी मादा अपरिपक्व बच्चे देती है, ध्यान रखना ये अपरिपक्व बच्चे देती है। ये बच्चे मादा के उदर भाग में स्थित शिशुधानी नामक थैली में पलते हैं, इसीलिए इस उपकरण को मार्सुपियम कहते हैं। आपने कंगारू देखा है, बस वही है। टेरोपस जो होता है, ये देखिए ये वाला जो टेरोपस होता है वो एक चमगादड़ होता है, ये ऑर्डर मेगा चिरोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑन द टेल ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज, तो दोस्तों वो कौन सी होती है? प्रीन ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? प्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं? पंखों को चमकदार बनाते हैं और जल वाटर रेजिस्टेंस बनाते हैं। इसे यूरो, ध्यान रखना इसका दूसरा भी नाम है, यूरोपीजियल ग्लैंड भी कहते हैं इसे। इसका दूसरा नाम क्या है ध्यान लिख लीजिएगा, यूरोपीजियल ग्लैंड भी बोलते हैं प्रीन ग्लैंड को। ए स्नैक दैट इज वीवीपेरस, जैसे जनरली जो स्नैक्स होते हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, मगर वो कौन सा स्नैक है जो बच्चा देता है? तो दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है पिट वाइपर, द पिट वाइपर है जो अंडे देता है। सिर पर गंडे, इसके सिर पर गड्ढे होते हैं यानी पिट होते हैं, तथा रसल का वाइपर जिन्हें दुबैया, जुमेर, गुन्नस आदि नामों से भी जाना जाता है। ये दोनों प्रजातियां कैसी होती हैं? वीवी पैरस होती हैं, ध्यान रखना। कौन कौन सी? विट वाइपर और रसल, फिर से देख लेना, पिट वाइपर और रसल जो होते हैं वो क्या देते हैं? दोनों क्या देते हैं दोस्तों? दोनों अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, ए ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द थाइस ऑफ मेल लिजार्ड्स, तो थाइस ऑफ मेल लिजार्ड में अंडर सरफेस कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो वो दोस्तों पाई जाती है फीमोरल ग्लैंड। क्या पाई जाती है? फीमोरल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये छिपकली के जांघ के निचले सतह पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, और जो ग्रीन ग्लैंड है ये किस में पाई जाती है? ये झींगा मछली में पाई जाती है, और ये एक उत्सर्जी होती है। कैसी होती है? उत्सर्जी होती है। और ये जो पहली वाली है यानी स्यूडोरफिक जो ग्लैंड है, ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये श्वेद ग्रंथि है। क्या है? श्वेद ग्रंथि है। इसको क्या बोलते हैं? श्वेद ग्रंथि है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉथ फ्लैजलेट, तो इसमें दोस्तों क्या बोलते हैं? लिस्मानिया, जिराडियाना, ट्रिपैनोसोमा और नॉक्टिल्यूका, तो इसका ऑप्शन होगा नॉक्टिल्यूका। नेक्स्ट है, द ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो क्या करता है? जो ग्लोचिडियम लार्वा होता है, तो दोस्तों ये क्या करता है? ये करता क्या है? एक्टोपैरासाइट ऑन फिश, फिश का एक्टोपैरासाइट है, देखना मछलियों का एक्टोपैरासाइट है। कौन सा? ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो, यूनियो का जो ग्लोचिडियम लार्वा होता है ये क्या है? एक्टोपैरासाइट होता है, मछली के बाह्य सतह पर चिपका रहता है और उन्हीं से भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, द टर्म प्लाज्मा लेमा वॉज गिवेन बाय, प्लाज्मा लेमा शब्द किसने दिया था पहली बार? तो ये दिया था जेक्यू प्लॉब ने। किसने दिया था? जेक्यू प्लॉब ने पहली बार प्लाज्मा लेमा नाम दिया था।
नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर परफॉर्म्स, इनका काम क्या होता है? तो इनका जो दोस्तों काम होता है, तो अगर हम इनकी बात करें तो इसमें से कई सारे ऑप्शन दिए हैं कौन कौन सा होता है, तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सही है। ऑल आर करेक्ट है, सभी क्या है सही है। डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, स्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म भी करते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का भी काम करते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपिड का भी काम करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एग एल्बुमिन इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड, तो उसको दोस्तों हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसको नाम जानते हैं डेंस एल्बुमिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? डेंस एल्बुमिन के नाम से जानते हैं, सॉरी। सॉरी दोस्तों, इसको हम वेटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वेटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस अब्सेंट, इनमें से एनस किस में अब्सेंट होता है? तो दोस्तों अब्सेंट होता है फ्लैट वर्म में। किस में अब्सेंट होता है? फ्लैट वर्म में अनुपस्थित होता है। विच टाइप ऑफ जा सस्पेंशन इज फाउंड इन द मैमल्स, तो इसमें कहता है स्तनी में अनुनिलंबन किस प्रकार का होता है, तो देखते हैं इसमें किस प्रकार का दोस्तों होता है। तो इसमें होता है ऑटो स्टाइलिक प्रकार का होता है। कैसा होता है? ऑटो स्टाइलिक प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय, तो दोस्तों किसके द्वारा होता है? ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। फिर है नेक्स्ट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दोस्तों किसमें देखने को हमें मिलती है? तो देखने को मिलती है एस्केरिस में। किसमें देखने को मिलती है? एस्केरिस में, सॉरी डाइमॉर्फिज्म जो देखने को, इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों अर्थवर्म एस्केरिस होगा। क्या होगा? एस्केरिस होगा इसका जो ऑप्शन है। इसका जो ऑप्शन ये बी दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो हाइड्रा अर्थवर्म और जो फैसियोला होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जबकि एस्केरिस में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? देखिएगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हेयर इज द नर्वस सिस्टम बट नॉट ब्रेन, जिसमें नर्वस सिस्टम तो होता है मगर ब्रेन नहीं होता है, वो कौन सा है? तो वो है हाइड्रा, जिसमें नर्वस सिस्टम होता है परंतु ब्रेन नहीं होता है। नेक्स्ट है, एरिस्टोटल्स लैंटर्न अकर इन, किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है इकाइनोइडिया में। किसमें पाया जाता है? इकिनोइडिया में पाया जाता है। फिर है नियोटिनी इज ऑब्जर्व, किसमें पाया जाता है? एम्फियोस्टोमा में। किसमें पाया जाता है? एम्फियोस्टोमा में पाया जाता है। और नियोटिनी हो क्या क्या होता है दोस्तों? ये जब बच्चा ही होता है तब इसमें सारे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और ये पौन की तरह का प्रदर्शित होता है, इसलिए से बोलते हैं। नेक्स्ट है, किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन, तो दोस्तों इसका काम क्या है? इसका काम है ऑल ऑफ दीज, यानी रेगुलेशन ऑफ बॉडी फील्ड, रेगुलेशन ऑफ एसिड वेट बैलेंस, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेस। फिर है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, उसकी कौन सी स्टेज होती है? स्पोरोजॉइट्स होती है, जो क्या करती है? इफेक्टेड करती है या रोगग्रसित करती है, संक्रमण अवस्था होती है। फिर होता है पैरासाइट कैस्ट्रेशन अकरिन, यानी पैरासिटिक कैस्ट्रेशन अकरिन, तो दोस्तों परजीवी वधियाकरण पाया जाता है, ये बोलते हैं इसको साइकोलाइना में। किसमें पाया जाता है? साइकोलाइना में। इसका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप अगर लाइक करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है जिससे नए वीडियो लाने का।
मैं नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित होता हूँ। धन्यवाद।